जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है सिविल प्लस आईटी टेक्नो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैलार टनल की, जो कि अभी अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसे कंप्लीट होने का टारगेट 2022 का रखा गया है। तो इसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सैलार टनल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसकी लेंथ 3000 मीटर है और यह ऑल वेदर टनल है, जो कि गुवाहाटी इन आसाम और तवंग इन अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करेगी। इस टनल को 4200 मीटर से भी नीचे खोदा जा रहा है, जो कि नेशनल हाईवे 13 पर आती है। इस टनल के बनने से नेशनल हाईवे 13 पर बनाया नया रोड, जो कि 12.4 किलोमीटर से कम होकर 10 किलोमीटर हो जाएगा और यही रोड इसे दिरांग और तवंग के बीच जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट को 3 साल में कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि फरवरी 2022 में पूरा होना है। इस प्रोजेक्ट में 2 टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई 1790 मीटर और 475 मीटर होगी। इसके अलावा इसमें एक स्केप ट्यूब भी बनाई जाएगी, जिसकी लंबाई 980 मीटर रखी गई है। इसकी जियो टेक्निकल और जियो पॉलिटिकल लोकेशन की बात की जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश की तवंग डिस्ट्रिक्ट में कुछ किलोमीटर दूर वेस्ट में सेला पास में दिखाई देती है, अगर आप इसे जियोग्राफिकली और मैप में देखें तो। सैलार टनल का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के अनुसार बात की जाए तो इस टनल को बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है, जो कि अंडर प्रोजेक्ट वर्ताक के आता है, जिससे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना को ट्रीट करने के लिए या फिर उससे बचने के लिए, उसको डिफेंस करने के लिए इस रोड को या इस टनल को बनाया जा रहा है। क्योंकि इंडियन आर्मी का जो 4th कॉर्प हेडक्वार्टर है, जो कि तेजपुर से तवंग के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था, वो अभी 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा इस टनल को बनने के बाद में। और इस टनल की जो कनेक्टिविटी थी, जो कि विंटर में ख़त्म हो जाती थी या फिर ब्लॉक हो जाती थी, वो अभी ऑल वेदर कनेक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि नेशनल हाईवे 13 पर बनी रही है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में अभी टनल्स का काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वो उसके लिए हम जो अभी मशीन यूज़ कर रहे हैं, वो वहाँ पे टनल बोरिंग मशीन का प्रयोग किया जा रहा है और ये मोस्टली LAC को कंट्रोल में करने के लिए है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसकी चाइना की वजह से जो अभी हमारे सेनाओं के बीच में जो मनमुटाव हुआ था 2-1.5 साल पहले, उसकी वजह से अभी बॉर्डर एरियाज़ पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा चलने की वजह से ये टनल्स हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे और ये आर्मी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन ही काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जय हिंद दोस्तों।